नमस्कार सभी दर्शकों को, दोस्तों को, राम राम तशी डायरेक्ट। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ आप, संदीप भट्ट ऑफिशियल। और हाँ, एक ही आईडी है मेरी, संदीप भट्ट ऑफिशियल सिर्फ, उसके अलावा कोई आईडी नहीं है, सारी फेक आईडी बनती हैं। तो मैं स्टोरी में भी डालता रहता हूँ, ये नई फेक आईडी है, ये सब है। तो ये आईडी का स्क्रीनशॉट है, और इसमें जो हाईलाइट का सेक्शन है उसमें क्लिक करोगे तो आपको इनकम दिख जाएगी। तो जो मेरी यूट्यूब से इनकम आई है उसका 10% मैं आके डोनेट करूँगा। और मेरी मम्मी मुझसे कंप्लेंट करती रहती है कि मुझे कहीं नहीं लेके जाता, मेरे लिए टाइम नहीं है, इतना ही हेल्प में लगा हुआ इधर से उधर। तो मैं साल में 6 महीने में कभी एक बार मतलब टाइम मिलता है तो मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और मम्मी ने आज सुबह से जिद लगाई हुई थी कि मुझे घुमाने लेके जा, बस कहीं भी लेके चल। तो मैंने पोल भी डाला इंस्टाग्राम पर, नैनीताल, माउंट अबू, उदयपुर, किस तरफ लेके जाऊँ। लोगों ने नैनीताल बोला और काफ़ी लोगों ने माउंट अबू और उदयपुर के लिए बोला। तो मैंने सोचा कि नैनीताल तो काफ़ी ऑलरेडी हम जा चुके हैं, तो क्यों ना मम्मी को माउंट अबू उदयपुर लेके जाया जाए। मम्मी नहीं गई है, तो बस निकल रहे हैं ट्रिप पे। और हमारे जो नेताजी हैं उनको टाइफाइड हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो मतलब उनके सारे टेस्ट वेस्ट करवा दिए गए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, दवाइयाँ चल रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि स्ट्रिक्ट आपको 4-5 दिन का रेस्ट चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इस टाइम में मम्मी को घुमा दिया जाए, मतलब इतना ट्रैवलिंग में दुनिया के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी मम्मी के लिए भी एक सही। सो अब ट्रिप होगी, मैं, मम्मी और हमारे श्रवण भैया आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ से माउंट अबू दिल्ली से 12 घंटे की ड्राइव है, तो उनकी वो गाड़ी चलाने में हेल्प कर देंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं माउंट अबू के लिए, मैं, मम्मी और श्रवण भैया। राजकुमारी दीदी के घर चलिए जी, मैक्सू बाय बाय। हम बाहर जाते हैं तो इसको भी घर मिलता है, एक चेंज हो जाता है थोड़ा, एक की मैया से यशोदा मैया के घर जाता है। अब वो गाड़ी में बैठता ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप, मैंने कितना ट्राई कर लिया है, गाड़ी में बैठोगे इधर से उधर फुदकता रहेगा, हाँफने लग जाएगा, बहुत अनईजी हो जाता है। तो इसलिए उसको साथ लेके हम जा नहीं पाते हैं मैक्स को। चलिए जी, सफर है 812 किलोमीटर, 12 घंटे। और ये देखिए, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्या स्वागत किया व्लॉग में आप जी, ये लाइट है, अब गलत काम करते नहीं, पीछे देख के हमने ब्रेक, क्या क्या स्वागत कराया एकदम व्लॉग में, स्वागत है आपका श्रवण बाबू। सॉरी सर, वो नाइस हेयर कट, अब दिल्ली में चलते हो, नहीं टोपी भी है सर हमारे पास, टोपी तो है, टोपी से अच्छा आपका हेयर कट लग रहा है ना। ओह सॉरी सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू, लग रहा हूँ सर। भैया बोल रहे हैं, मैंने कहा बाल कहाँ गए, बोल रहे गर्मी, कल परसों मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए, और उस वजह से मैंने बाल कटवाए। गर्मी लगी तो ठीक है, लेकिन बाल किसने उड़ाए? मैंने खुद उड़ा दिया, खुद ही उड़ा दिए भाई, मेरे बेटे ने मशीन लेके आया था उसी से मैंने खुद ही अपना जो है ना काट दिया। श्रवण बाबू को भी पता ही नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ रहे सर मुझे नहीं पता, गाड़ी में बैठ गए गद्दी पे, बस कोई बात नहीं, बताते रहो, मैं चलता रहूंगा। तो हम जा रहे हैं माउंट अबू। ओ माउंट अबू, वो क्या होता है सर? वो क्या होता है, कहाँ है, सुना आपने? नहीं सर, नहीं सुना है आज तक, तो नहीं सुना है सर, आज सुन लिया, आज सुन लिया। ये है राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में है। अच्छा। और ये राजस्थान में तो है ही है। अच्छा। और ये जो हमारे गुजराती भाई बहन है उसका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है घूमने का। अच्छा। तो जितने भी लोग गुजराती हैं वो इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे, बिकॉज पिछली बार जब मैं गया था वहाँ पर इतने गुजराती मिलेंगे आपको भी देखना, क्योंकि वो गुजरात के बिल्कुल पास में है और थोड़ा हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो जो गुजराती लोग हैं उनका जो वीकेंड होता है ना वो माउंट अबू में बनता है। अच्छा। ऐसा। अच्छा। बढ़िया जगह, बेहतरीन जगह, आप गए पहले? नहीं सर, अच्छा, सुना ही पहले, तो कैसे? पहली बार सुना भी हूँ, जा भी रहा हूँ पहली बार सर, वो भी आपकी वजह से सर, नहीं तो हमारे नसीब में सब कहाँ सर, आपकी वजह से संभव हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप बाबा भोलेनाथ को भी, जय हो प्रभु भगवान, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। मम्मी पहली बार जा रही है, पेट्रोल की गाड़ी को खाना खिलाने की, गाड़ी को भोजन कराने की, जी बिल्कुल, पूरा गले तक फुल कर देना है, बिल्कुल पेट्रोल फुल करो, नॉर्मल 11 घंटे गाड़ी चलनी है, तो 3 घंटे मैं चला रहा हूँ, आज दोनों को आधा आधा बराबर रेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शिफ्ट करें पोजीशन। कुर्सी पलट गई, 3 घंटा आराम करिए, सोइए आप, ठीक है? ओके सर। अब तक हम चलाते हैं। ओके सर। वक्त हो रहा है 8:30, चलिए 3 घंटा मैं चलाता हूँ। एक दिन में 6 घंटे काम करवा लो, 24 घंटे काम करवा लो, 6 घंटे आराम करवा लो,
बस एक दिन में आपसे 24 घंटे काम करवा लो और 6 घंटे आराम करवा लो। हाँ, 6 घंटे आराम करवा लो। मतलब कैसी हो गई, एक दिन में तो टोटल 24 ही घंटे होते हैं। 24 ही होते हैं। कौन से प्लेनेट के प्राणी हो भाई आप? मार्स से तो नहीं आए हो? अभी वो चंद्रमा अभी वो आया है ना नीचे, चंद्रयान में लैंड हो गए, कहीं आप चांद से तो नहीं आए हो? पर वो तो अभी नीचे आया ही नहीं है, तो आप कैसे आ गए? पहले से बना दिया अपने 24 घंटे का होता है, मुझे पता चल गया। चलिए भाई, शुक्र है इनको पता चला एक दिन में घंटे कितने होते हैं। बने रहे इस रोड पे निकले हुए रात को, पूरा सुनसान है भाई साहब, यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात, पूरा एकदम भाई खाली पड़ा भाई, इतना डरावना है। कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला बंदा होगा इसको, ऐसे से सुनसान से घुटना तो बड़ा डर जाएगा भाई, कोई आवाज ही नहीं, ऐसा लग रहा है हम अकेले ही है क्या जो जा रहे हैं इधर। ये दिल्ली गुजरात वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे है जिसपे भी हम लोग चल रहे हैं। सो मुझे गाड़ी चलाते चलाते ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके थे, और इतने में देखिए दोनों आराम से मौज ले रहे थे सोते हुए, और जो 850 किलोमीटर का सफर था 486 रह गया था। भूख भी लग रही है तो कुछ खा भी लेते हैं। अपनी रोटी लाई है, अपनी रागी वाली रोटी है, चटनी रोटी, चटनी रोटी खाएंगे। मैंने इनको पूछा दाल बाटी चूरमा है, नहीं है इनके पास, राजस्थान आया तो मैंने सोचा पहले उसी से शुरू करें। चलो आगे मिलेगा वहाँ, जो ऑर्डर किया वो तो आया नहीं है, चटनी रोटी खाना शुरू हो गए। रोटी सब्जी खाते हैं, गद्दी पलट गई है, तख्ता पलट हो चुका है, अब गद्दी में है श्रवण बाबू। एंड वी हैव एंटर्ड अबू पर्वत, माउंट अबू। ठंडा है माहौल एकदम, मम्मी की ठंड से बैंड बज चुके हैं यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा मम्मी को भी करना क्या जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत धुंध है, ठंडी हवा है, हमने सोचा राजस्थान सोची मम्मी, हाँ, फ्लावर समझी, ये तो फायर निकला। राजस्थान में इतनी ठंड कैसे? यही तो है माउंट अबू। तो अभी 2-3 घंटा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। सो टाइम हो चुका है 11 बजे। गुड मॉर्निंग अबू धाबी, माउंट अबू है क्या? माउंट अबू अबू धाबी, और यहाँ पे इनकी सफेदी निर्मा से आई। श्रवण बाबू ने गाड़ी चमकाई, सबकी पसंद श्रवण बाबू। हम लोग सुबह 7 बजे पहुंच गए थे, तो उन्होंने 2-3 घंटे के लिए हमें एक नॉर्मल सा रूम दिया, फिर जब 11 बजे गेस्ट ने चेकआउट कर लिया उनके, तो हम अपने वाले रूम में शिफ्ट हो गए। थोड़ा सा नहा धो के कपड़े चेंज करते हैं, फिर चलते हैं। ऑलराइट, सो अब हैं तैयार, अब चलते हैं। श्रवण बाबू, ओके सर, श्रवण बाबू देखिए कल ही शॉपिंग करी है उन्होंने, पूरे पैंट लाए खरीद के, टी-शर्ट लाए, एकदम लॉकेट लॉकेट। चलिए तीनों तैयार हैं, माउंट अबू की सैर करें। सबसे पहले दिलवाड़ा जैन टेम्पल, तो ये दुकान में कह रहे हैं कि ये जो दिलवाड़ा जैन टेंपल है, मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, तो गाड़ी में छोड़ दो। सो मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारे प्यारे से एक सब्सक्राइबर मिले वहाँ पे, तो हम लोग उनसे मुलाकात की। ये सबसे फेमस चाय है, माउंट की सबसे फेमस चाय है। भैया जी मिले हृदय से खुशी हुई। अच्छे से दर्शन, काफ़ी अरसे से इंतजार करते थे कि कभी भैया जी माउंट आए, आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। और उधर मम्मी को देखिए, लगी हुई थी मम्मी शॉपिंग में, कंटिन्यूसली पैसे मांग रही थी। भाई जयपुर आई हूँ, जयपुर थोड़ी है, माउंट अबू माउंट अबू ही नहीं पता। एक मैंने अपनी बहू के लिए लिया। अच्छा, एडवांस शॉपिंग है। चलिए चल रहा है तैयारी। सर बाबू पकड़ो पर हाथ में, ये क्या है? ऐसे रखो चेहरे में, आधा छाती तक आपके पेंसिल है। ये क्यों लिया मैंने पता है, ये अपनी बहू के लिए लिया है, तेरी चेक साइन इसी से रबर भी है ना ऊपर। हाँ बढ़िया, रबर शार्पनर सब है। क्यों? अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, फिर कभी आए, अगली बार आपके घर आएंगे। बिल्कुल घर आज चाहिए ना, दाल बाटी सामने बनवाऊं।
दाल बाटी चूरमा कह रहे हैं घर पे। घर पे घर कहाँ, इतनी दूर है? मैम पास में। भैया क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं परेशानी की, चलो उधर सामने दुकान में खाएंगे आपके साथ। आप भी हाँ, राजस्थान में, राजस्थान के जो राजपूत है उनके लिए अच्छी थी देवों का मेहमान। अच्छा राजपूत है लाल सिंह भैया, ये देखिए वो भी आपकी चाय मस्का बन मस्का एंड चाय मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, देखो इतना प्यार मिलता है, इससे बड़ी इज्जत और इससे बड़ी चीज़ क्या कमा सकते हो आप। तो यहाँ घूम लिए, अब यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने इनवाइट भी किया इतने प्यार से कि हमारे घर में आके दाल बाटी चूरमा खाओ, तो करते हैं प्लान। इतना प्यार देखो, कितनी इज्जत प्यार, यही तो आँखों में नदी आ गया बिल्कुल। आशा पूरा रेस्टोरेंट गुजराती राजस्थानी फूड, थोड़ा भूख लगी हुई है, ब्रेकफास्ट नहीं किया हमने, तो पहले थोड़ा खा लेते हैं कुछ ट्रेडिशनल यहाँ का राजस्थानी खाना, फिर आगे बढ़ेंगे। दाल बाटी चूरमा ना, चल लाओ जी। ये बाटी दाल सब्जी चूरमा रायता टाइप का या लस्सी टाइप का, सब बाटी को तोड़ो, बाटी को पूरा निचोड़ दो और उसमें लहसुन की चटनी डालो, ये डालो इसमें थोड़ा, हाँ इसमें मिक्स करो और साथ में दाल डालो, दाल डाल दो उस पर, दाल डालो उसको, दाल डालो बस। अब एक बार एक चम्मच खाओ पहले, खड़ी खाओ दाल बाटी चूरमा, अद्भुत। ऑलराइट सो पेट पूजा डन, अब ट्रेवर्स टैंक जाएंगे हम।